लास्ट क्लास में हमने देखा था इंटरफेस सर्किट का, तो आज मैं फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ इंटरफेस सर्किट से। कल थोड़ी बहुत पहले बीच में प्रॉब्लम हो गई थी कि एक ही साइड चल रही थी, लास्ट क्लास में जल्दी जल्दी मैं बता दी। तो इंटरफेस सर्किट के अंदर मेनली हमारा जितना भी गियर की डिटेल्स रहती है कि गियर किस तरीके से इनपुट लेगा, हमारा जो माइक्रोलॉक सिस्टम है वो इनपुट किस तरीके से लेगा और आउटपुट डिलीवर कैसे करेगा, तो ये सब सिस्टम के लिए जो रहता है वो इंटरफेस सर्किट के अंदर हमारा बना हुआ रहता है। इंटरफेस सर्किट के अंदर हमारा सिग्नल के रिलेटेड, पॉइंट से रिलेटेड, सीएच, कंट्रोल, आईसीसी एंड सो ऑन, तो जो जो हमारी इंटरलॉकिंग सर्किट के बाद जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो सब चीजें हमें इंटरफेस सर्किट के अंदर मिलेगा। और बाकी जो इंटरलॉकिंग मैं पहले भी बता चुका हूँ वो सब हमारा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले इंटरफेस सर्किट के अंदर मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक कार्ड का बता रहा हूँ जो आउटपुट कार्ड है। अब आउटपुट कार्ड के अंदर आप ये देखेंगे कि ये वाइटल आउटपुट कार्ड की डिटेल, वाइटल आउटपुट कार्ड का जो आउटपुट निकलता है वो पहले भी बताया हमने VCOR रिले, वाइटल कट ऑफ रिले के फ्रंट कॉन्टेक्ट को प्रूव करके आता है। वाइटल कट ऑफ रिले के फ्रंट कॉन्टेक्ट में जो प्रूव करके आएगा वो सप्लाई मेरे को मिलेगी इसे B24 N24 जो M1J4 थी, M1K4 थी, तो ये B24 है, ये N20, ये दोनों सप्लाई आपके सिस्टम के अंदर जाएगी और सिस्टम के अंदर A16 A22 अंदर पोर्ट्स में लगा रहता है। A16 A22 नंबर पे ये सप्लाई डिलीवर हो जाएगी। अब ये सप्लाई जो डिलीवर हो चुकी है ये अब अंदर सिस्टम के अंदर जा चुकी है। अब सिस्टम के अंदर क्या है, ये सब आउटपुट टाइप से आता है। तो रिले मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई भी एक हमारा वाइटल आउटपुट पोर्ट या वाइटल इनपुट पोर्ट या नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट पोर्ट, इसके अंदर मिनिएचर्स रिले लगे हुए हैं सबके अंदर, वो इंडिविजुअल फंक्शन की इंडिविजुअल बिट की इंडिविजुअल रिले है, अलग अलग रिले है। जैसे हम बाहर अलग अलग रिले बनाते हैं कि ये एक अलग पॉइंट की 101 102 की अलग है, 103 104 की अलग है, 105 106 की अलग है, S1 के सिग्नल की RECR अलग होगी, HECR अलग होगी, HR अलग होगी, DR अलग होगी एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से उसके अंदर भी बिट वाइज रिले है, बिट नंबर 1 की रिले ये है, बिट नंबर 2 की, बिट नंबर 3, बिट नंबर 4 की। तो अब इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले जैसे ही अगर मेरा सिस्टम ये आउटपुट डिलीवर करेगा, अब पॉइंट को ऑपरेट करना, पॉइंट को ऑपरेट करने के लिए PDU से कमांड मिला सिस्टम को कि 111.12 को नॉर्मल करें। तो जैसे नॉर्मल करने के लिए होगा तो अंदर की जो कंडीशन रहती है हमारी पॉइंट को ऑपरेट करने की मेन कंडीशन इंटरलॉकिंग में क्या कहता है कि ट्रैक पिकअप होने चाहिए, जो कंसर्न ट्रैक है पॉइंट जोन के वो पिकअप होने चाहिए, लॉक नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन होती है तो पॉइंट ऑपरेट हो जाएगा। तो उन दोनों पॉइंट की कंडीशन अगर इंटरनली उसको सिस्टम को उस कंसर्न ट्रैक जो भी उस पॉइंट के, जैसे मतलब 111.12 की बात कर रहा हूँ तो जनरली हमारा नाम यही होगा 111T 112T, अगर ये दोनों ट्रैक आपके पिकअप है, सिग्नल से कोई इस पॉइंट को लॉक नहीं करा गया चाहे ओवरलैप में चाहे रूट में चाहे आइसोलेशन में, तब उस टाइम पे ये पॉइंट आपका ऑपरेट हो जाएगा। जैसे उसको कमांड दिया, कमांड देके ये सारी कंडीशन फुलफिल हुई तो ये NWCR बिट जो है वो हाई हो जाएगी। जैसे ये NWCR बिट हाई होगी तो ये T2 से निकल कर हमारे M1 T2, ये रैक के अंदर M1 मीन्स माइक्रो लॉक 1, E2 जो मैंने आपको बताया था पहले कल कि ABCDEFG इस टाइप से मेरा फ्रंट व्यू में आता है माइक्रोलॉक के अंदर, तो डी रो के अंदर सेकंड नंबर जो डी बना होगा उसके अंदर मेरे को सप्लाई मिल जाएगी। अब उधर दो टर्मिनल है 101 301, 101 इज फॉर सिस्टम ए, 301 इज फॉर सिस्टम टू। अब ये दोनों जो होता है ये दोनों कंबाइन करेगा, ये जो वागो टाइप टर्मिनल रहते हैं, ये वागो टाइप टर्मिनल के अंदर फैसिलिटी रहती है कि ये टू इनपुट सिंगल आउटपुट देता है, तो टू इनपुट लिया और सिंगल आउटपुट जनरेट कर। अब ये सिंगल आउटपुट 401 टर्मिनल के अंदर जैसे मेरे को मिलेगा ये सीधे जाके रिले रैक में चले जाएगा और रिले रैक के अंदर जो भी कंसर्न रिले है उसको ये पिकअप करा दे। जैसे उसको सप्लाई मिलेगी B24 जनरेट करेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे N24 सबको कॉमन देके रखा हुआ है, कॉमन टर्मिनल, तो R2 पे सप्लाई हर जगह मेरी बस बार के थ्रू अवेलेबल है। ये जो नेगेटिव सप्लाई जो आपको यहाँ पे दिख रही है 17, 18, 19, 20 ये टर्मिनल जो दिख रहे हैं R2 के अक्रॉस, ये टर्मिनल के अंदर ही जो मेन सप्लाई रहती है ये
ये हमारी बस बार जो बनी हुई है, ये बस बार पीसीओ आर रिले को कॉन्टेक्ट को प्रूव करके बस बार बनाई जाती है। तो जैसे पीसीओ आर ड्रॉप होती है तो नेगेटिव सबका कट जाता है, अब पॉजिटिव अगर गलती से डिलीवर भी हो रहा होगा नेगेटिव नहीं मिलने के कारण से रिले पिकअप नहीं होगा। तो अब एक और देखते हैं, अगर पॉइंट को रिवर्स करना था तो रिवर्स करने के लिए बिट टू थी मेरी 111 112 RWCR। अब RWCR के अंदर C2 से आउटपुट हुआ, जो पीछे कपलर के अंदर C2 C1 ये सब लिखे रहते हैं, इससे आके 102 पे आए, वागोमेट कंबाइन हुई और कंबाइन होकर 402 से R1 को चले। R2 पे सप्लाई हमेशा अवेलेबल रहती है जब तक BCU और रिले आपकी पिकअप है, दोनों में से। अब BCU और रिले एक सिस्टम के अंदर, जब सिस्टम ए सिस्टम बी है, एक माइक्रोलॉक के अंदर दो सिस्टम होते हैं सिस्टम ए सिस्टम बी, तो इसी तरीके से दोनों की माइक्रोलॉक की अंदर की जो सिस्टम की रिले रहती है वो भी BCU और अलग अलग होती है, BCU और ए एंड BCU और बी। मैं आपको प्रैक्टिकली भी आज दिखा सकता हूँ क्योंकि आज अभी रिले रूम के अंदर ही हूँ, तो थोड़ी देर में आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ किस टाइप से दिखेगा सिस्टम। ये आउटपुट कार्ड का हुआ। अब इसी तरीके से अगर मैं इनपुट कार्ड की बात करूं, अब इनपुट कार्ड की अगर मैं बात कर रहा हूं, इनपुट कार्ड में आप एक चीज देखेंगे कि यहां पे जो सप्लाई है ये सिस्टम के अंदर से मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे को बाहर से फ्रॉम द फील्ड से मुझे गैदर करके इंफॉर्मेशन सिस्टम को इनपुट देना। तो फील्ड से गैदर करने के लिए मतलब मेरे को सबसे पहले मेरी जो इंटरफेस रिले है, इंटरफेस रिले पहले आएगी और उससे पहले सप्लाई आएगी। माइक्रोलॉग के अंदर हम जनरली एज पर RDSO जो V24 जनरेट करते हैं हम लोग, वो अपने खुद के DC-DC कन्वर्टर से करते हैं, हम IPS से इसको नहीं देते। IPS से हमें AI को सिर्फ और सिर्फ 110 वोल्ट DC देना होगा, बाकी कोई सप्लाई हमें माइक्रोलॉग के लिए नहीं देती। माइक्रोलॉग से रिलेटेड जो भी सप्लाई चाहिए माइक्रोलॉग को जनरेट करेगा और उसको यूज करेगा। तो ये माइक्रोलॉग सप्लाई है, ये आप देख सकते हैं V24 MLK N24 MLK, मतलब ये माइक्रोलॉग की खुद की सप्लाई है V24 N24। इसकी हमने बस बार बना दी है, इस फ्यूज से हर एक इनपुट कार्ड का फ्यूज अलग होगा, जितने इनपुट कार्ड मिलेंगे हमें उन सबका फ्यूज अलग अलग होगा। इससे हमें एक और चीज मालूम पड़ सकती है कि अगर कोई पूरे कार्ड का इनपुट नहीं आ रहा है तो मतलब वो जो फ्यूज है वो फ्यूज उड़ गया। तो अगर हमें ऐसे नहीं मालूम पड़ पाया तो फेलियर के अंदर हमारे पास अगर ये सारे, जैसे मान लीजिए मेरे को ये फिट 111T 111EXT 112T 112EXT 113T इस टाइप से जो जितने भी इसके अंदर इनपुट दिए हुए थे वो सब स्कैन नहीं हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो मतलब कॉमन फॉल्ट है और कॉमन फॉल्ट हमें यही मिलेगा। इसके अंदर जो फ्यूज है ये फ्यूज उड़ गया होगा, इस कारण से V24 इसको नहीं मिल रही होगी, तो ये आगे स्कैन नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए फील्ड से मुझे 111T पिकअप हो गई, मेरी एक फील्ड पे रिले रैक पे रिले थी USB रिले जैसी पिकअप हुई तो ये रिले के पिकअप कॉन्टेक्ट से स्कैन होते हुए सप्लाई जो है ये सीधे गई अंदर। अब अंदर भी एक मिनीचर रिले है, वो मिनीचर रिले पिकअप होगी सिस्टम के अंदर जब वो E2 और E4 के अंदर जाएगी तब। से पहले क्या है कि ये बस बार टाइप से एक बना हुआ है, R3 रैक के अंदर P2 रूम है, 201 टर्मिनल के अंदर मेरा सप्लाई फ्रॉम फील्ड आ रही है। जैसे आउटपुट के अंदर क्या था कि दो सिस्टम कंबाइन करके सिंगल आउटपुट जनरेट करते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है ये बागो अपोजिट काम करता है, सिंगल इनपुट टू आउटपुट, इसके अंदर सिंगल इनपुट मिलेंगे और ये बागो टू आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। 201 से जो सप्लाई इसको मिलेगी, 202 से जो सप्लाई मिलेगी, ये दोनों सप्लाई दो में बाइफर्केट करके 101-301 में बाइफर्केट कर देगा और ये सिस्टम ए को चले जाएगी, ये सिस्टम बी को चले जाएगी। तो सिस्टम ए सिस्टम बी के अंदर यहाँ पे अलग अलग इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि E2 इज कॉमन फॉर सिस्टम ए, E2 इज कॉमन एंड सिस्टम बी। E2 जो टर्मिनल है आपको ये सिस्टम ए के अंदर भी सेम मिलेगा, सिस्टम बी के अंदर भी सेम, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे करके बाइफर्केट करके यहाँ छोड़ दे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है, कनेक्शन डायरेक्टली सिस्टम बी के अंदर E2 में कनेक्टेड है। हेलो, हाँ जी, हेलो, एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए, हेलो, जी बोलिए, हाँ सर, थोड़ी क्लियर आवाज नहीं आ रही है, तो आवाज क्लियर नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही है क्या?
कट के आ रही है सब, थोड़ी कट रही है आवाज, कट कट, हाँ कट रही है। नहीं आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है, अब क्या आवाज कट रही है? ओके, अब आई है क्या आवाज? अब क्लियर है? अभी भी कट रही है? हाँ सर, अभी थोड़ा मतलब क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए, इनपुट कार्ड के अंदर जो मैं आपसे बोल रहा था, स्कैन अगर आप जब होगा, हाँ बात ठीक है सर, हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ से जो सप्लाई है, ये सप्लाई मेरी माइक्रोलॉक की सप्लाई रहेगी B24N24, और ये सप्लाई एक्सटेंड होके मेरी QSPA रिले, जैसे ये TPR की रिले है, तो QSPA रिले को पिकअप जैसी हो जाएगी, साइड से पिकअप होगी QSPA रिले, साइड पे अगर ट्रैक पिकअप है, मेरी अंदर की जो रिले लगी होगी इंटरफेस रिले, वो पिकअप रहेगी। अब वो पिकअप कॉन्टैक्ट के अंदर, ये देखिए A1A2 A3A4 B1B2 B3B, इन कॉन्टैक्ट को यूज करके देखिए ये 201202 में गई। अब ये 201202 जो है, ये मेरे R3 रैक के B2 टर्मिनल पे लगे हुए। जैसे आउटपुट में मैंने आपको वागो का बताया था कि वागो के अंदर उसमें क्या होता है, टू इनपुट सिंगल आउटपुट। तो इनपुट के अंदर जो हमारे वागो लगे रहते हैं उसके अंदर क्या रहता है, सिंगल इनपुट मल्टी आउटपुट, तो दो आउटपुट जनरेट करेगा। यहाँ से सिंगल इनपुट मिलेगा, सेम सप्लाई वो दो में बाइफर्केट कर देगा, विच इज 101 and 301। जो सप्लाई रहेगी वो सिस्टम ए में चले जाएगी, और 301 जो सप्लाई रहेगी वो सिस्टम बी में चले जाएगी। तो एक ही माइक्रोलॉक के अंदर दो सिस्टम जो रहते हैं, माइक्रोलॉक 1 माइक्रोलॉक 2, तो इसके अंदर E2 and E4, तो E2 E4 के अंदर आपकी ये सप्लाई एक्सटेंड होकर अंदर चलेगी। अब अंदर गई तो अंदर एक मिनिएचर रिले लगी रहती है, वो रिले पिकअप हो जाएगी और उसके कंसर्न को वो वर्चुअल रिले में कन्वर्ट कर देगा। तो अब वर्चुअली मेरी एक अंदर रिले जो बनी हुई है 111 TPR, वो पिकअप हो जाएगी। अब उसका कॉन्टेक्ट जहां जहां हम यूज कर सकते थे वहां यूज कर लेंगे, तो वर्चुअली फिजिकली हमें सिर्फ इस रिले का इतने ही कॉन्टेक्ट यूज करना है। दैट्स 4 कॉन्टेक्ट, पैरेलल करने के लिए 4 कॉन्टेक्ट यूज करें, सिंगल सिंगल अगर करना होगा डबल कटिंग में तो सिंगल सिंगल कॉन्टेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी पॉलिसी है कि जहां पे भी मेटल टू कार्बन रिले लगेगी हमें सारे कॉन्टेक्ट को पैरेलल करना है, तो इसलिए हमने सारे कॉन्टेक्ट पैरेलल करके रखा। अब इसी तरीके से आप देखेंगे सेकंड कंडीशन मेरी है 111 AXT TPR, यहाँ पे एक्सेल काउंटर भी लगा हुआ है, तो 111 का एक्सेल काउंटर जैसे पिकअप होगा तो उसका भी ये रिले जो QN रिले लगी होगी, QN1, तो QN1 रिले को जैसे ये पिकअप होगी तो ये VR पिकअप होते से ये VPR पिकअप हो जाएगी, ये VPR पिकअप होते से इसके ये कॉन्टैक्ट स्कैन होगी, ये 203-204 में चले जाएंगे, और जो रैक के अंदर होगा 103-303 ये दोनों में बाइफर्केट होंगे, मेरे लॉजिक के अंदर चले जाएगा। लॉजिक में फिर ये 111 AXT TPR के नाम से एक वर्चुअल रिले बनी हुई है, वो पिकअप हो जाएगा और उसके कॉन्टेक्ट जहां जहां यूज करने होंगे हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिग्नल का सर्किट दिखाता हूँ। अब जैसे ये सिग्नल की सर्किट, मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा वाइटल आउटपुट होगा वो डिलीवर होगा सिस्टम से। सिस्टम से डिलीवर होने के बाद फिजिकली एक रिले पिकअप होगी रिले रूम के अंदर। जैसे अगर मान लीजिए ये 46HR की बात है, HG जलाना था, S46 को मेरे को येलो करना था, येलो करने के लिए सबसे पहले मेरी HR बिट हाई होगी। HR बिट जैसे ही हाई हुई बिट चार्ट के अंदर, तो वहां से एक सप्लाई एक्सटेंड होकर मेरी R1R2 पे जाएगी, R1R2 से HR पिकअप होगी। अब HR पिकअप हो गई तो मेरी जो सप्लाई जानी थी वो सप्लाई एक्सटेंड होके आगे जा रही है, और आगे आप देखिए ये कटिंग इन रिले जो होती है हमारी साइड 46HPR, ये HPR को पिकअप करा दिया। तो ये सीधे आपकी रिले के कॉन्टेक्ट को यूज करके हमने कटिंग इन रिले यूज कर।
जो नॉर्मल हम अभी तक प्रैक्टिस में भी वही करते हैं, कटिंग इन रिले के अंदर हम डायरेक्टली जो रिले का कॉन्टेक्ट रहता है एटी कॉन्टेक्ट को प्रूव करके डबल साइड डबल कटिंग करते हुए हम साइड पे पिकअप कराते हैं। अब यहाँ पे आप इसी तरीके से डी आर का भी मेरा वही रहेगा कटिंग इन रिले के लिए, डी आर की भी कटिंग इन रिले। कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी ये वाला ऑफ ईसी डी आर जो प्रॉब्लम के बारे में, कि जैसे 46 सिग्नल के अंदर जब एच जी हो जाएगा या डी जी हो जाएगा कोई भी ऑफ एस्पेक्ट आ जाएगा तो उसमें एक और फिजिकल रिले है 46 ऑफ ईसी डी आर, ये सिस्टम से पिकअप नहीं होती, ये फील्ड की सप्लाई से पिकअप होती है। मतलब फील्ड से एच ई सी आर पिकअप हो गई, डी ई सी आर पिकअप हो गई, तो इन दोनों के कॉन्टेक्ट में से जो भी कॉन्टेक्ट मिलेगा उसके कारण से ऑफ ईसी डी आर पिकअप हो जाएगा। अब ये पिकअप होने के बाद इस सर्किट को हम लोग यूज करते हैं हमारे लाइटनिंग सर्किट, सिग्नल लाइटनिंग सर्किट। सिग्नल लाइटनिंग सर्किट जो होता है वो आप करंट से पिकअप होती है, करंट के अंदर एमीटर भी अगर हम लगाते हैं तो करंट लेने के लिए हम सीरीज में लगाते हैं। तो ये करंट से पिकअप होने वाली रिले होने के कारण से हमें इसे सीरीज में लगाना होता है, बाकी जनरली हम जो भी रिले यूज करते हैं पैरेलल में यूज करते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंसी है। अब ये आर वन आर टू से जाके ये डायरेक्ट साइड पे आप जैसे ये रिले पिक एस्पेक्ट जल जाएगा और जिसको इतना करंट मिल जाएगा कि ये पिकअप होने लायक है, जैसे VCX अगर ले रहे हैं तो 75 मिली एम्पीयर तक अगर करंट मिलता है तो ये रिले मेरी पिकअप हो जाएगी। अब ये रिले पिकअप हो गई तो इसका स्कैन कॉन्टेक्ट अंदर सिस्टम ले लेगा RECR का इनपुट, वाइटल इनपुट। इस रिले का कॉन्टेक्ट जो अंबाला वन अंबाला टू अंबाला थ्री अंबाला फोर बॉम्बे वन बॉम्बे टू बॉम्बे थ्री बॉम्बे फोर कॉन्टेक्ट हमने देखे हैं, उस कॉन्टेक्ट से प्रूव करते हुए वो अंदर सिस्टम के अंदर चले जाए। अब ये आप देखिए सेकेंड आपके अंदर एच जी चलाना, एच जी के अंदर ये सप्लाई चली, यहाँ से सप्लाई चल के एच आर रिले जो है ये फिजिकल रिले है, लेकिन ये रिले पिकअप किससे होगी, आपके वाइटल आउटपुट कार्ड से। वाइटल आउटपुट कार्ड जब जनरेट करेगा, सिस्टम जब जनरेट करेगा तो सप्लाई से ये आपकी 46 एचआर पिकअप होगी। जैसे ये पिकअप हो गई इस कॉन्टेक्ट को प्रूफ करते हुए डीआर सिग्नल दिया नहीं है कि आगे के एस्पेक्ट की कंडीशन जो नहीं मिल रही होगी, सिग्नल येलो नहीं मिलना चाहिए था, डीआर डीसीआर ड्रॉप है, एचजी एचजी सीआर को सीरीज में प्रूफ करते हुए साइड पे कटिंग इन रिले को प्रूफ करते हुए ये हमारा एचजी एस्पेक्ट भी चल गया, तो ये एच ई सी आर आ जाएगा। एच ई सी आर अगर ये आ गया तो इसके बाद इसे स्कैन होना चाहिए वाइटल इनपुट कार्ड में, स्कैन अगर हो रहा है तो इसके आगे की कंडीशन में फुलफिल हो जाएगी। अब जैसे हमें कैस्केडिंग सर्किट के अंदर भी हमें जो हमें कैस्केडिंग में पढ़ाया जाता है कि अगर हमारा ग्रीन सिग्नल फ्लैश कर गया किसी तरीके से फ्यूज हो गया तो हमारा ऑटोमेटिकली येलो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देखिए एच आर पिकअप है, डी आर डी जी में भी एच आर पिकअप होना चाहिए और एच जी में भी एच आर पिकअप होना चाहिए, तो एच आर कॉमन पाथ, ये कॉमन पाथ आप देखिए कॉमन पाथ डी जी में भी जा रहा है एच आर पिकअप पे, बस इसमें क्या है डी आर पिकअप। अब एच जी के अंदर एक कंडीशन तो है कि डी आर पिकअप नहीं है, दूसरा अगर मेरा ये सिग्नल फ्लैश कर गया फ्यूज हो गया, मेरा बल्ब फ्यूज हो गया, एलईडी फ्यूज हो गई, एलईडी फॉल्टी हो गई, तो मेरा डी सी आर ड्रॉप हो जाएगा, तो डी सी आर के ड्रॉप कॉन्टेक्ट से यहाँ से चलते हुए सप्लाई मेरी सिग्नल को येलो कर दिया। तो कैस्केडिंग सर्किट जो हमारा प्रूविंग होती है, कैस्केडिंग हम इसके अंदर अनसॉल्व होंगे बाहर प्रूव कर। डीआर से अगर डीआर ड्रॉप से अगर डीआर ड्रॉप नहीं है तो डीसीआर ड्रॉप भी अगर होगी तो उससे भी हमारा एचजी हो जाएगा। अब डीजी चलने के लिए एक ही कंडीशन बचती है एचआर पिकअप एंड डीआर पिकअप, तो हो जाएगा। अगर ये फोर एस्पेक्ट सिग्नल होता तो डबल येलो इसमें आ जाता, डबल येलो के अंदर और। अब आज बात करते हैं पॉइंट की, अब पॉइंट के अंदर सबसे पहले हमारा जो सप्लाई चलती है वो भी 110 चलती है, हमारे पॉइंट मशीन जो भी है 110 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होती है, तो 110 का 10 एम्पीयर का फ्यूज हमने लगाया है, यहाँ पे यूज करके ये सीधे सप्लाई आगे एक्सटेंड हुई,
और एक्सटेंड होके आप ये देखिए मेरे को पॉइंट नॉर्मल करना है या रिवर्स करना है, दो कंडीशन बनती है। नॉर्मल करने के लिए NWCR, रिवर्स करने के लिए RWCR। ऊपर देखिए, ऊपर RWCR का पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट चला, इधर पॉइंट नॉर्मल होना है या रिवर्स होना है वो आपकी इस कंडीशन से प्रूव हो जाएगा। ये आपको बोला था मैंने, ये हैवी ड्यूटी रिले रहती है, हैवी ड्यूटी रिले होने के कारण से इसके अंदर एक कॉन्टेक्ट देखिए C1 C2। जनरली हम देखेंगे कोई भी हमारे पास रिले होती है C1 में इन होता है, C2 से आउट होता है, बट हैवी ड्यूटी रिले के अंदर आप देखेंगे C1 C2 इनपुट है, C3 C4 आउटपुट है। तो आप UPCA रिले जहाँ पे भी हैवी ड्यूटी रिले यूज करेंगे उसमें सबसे पहले ध्यान यही रखेंगे कि C1 C2 आर द इनपुट, C3 C4 आर द आउटपुट। C1 से निकल इनपुट देंगे तो C2 से आउट होगा, ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें दो कॉन्टेक्ट मिलके एक कॉन्टेक्ट मेक करता है, C1 C2 इनपुट, C3 C4 आर द आउटपुट। अभी दोनों कॉन्टेक्ट से प्रूव करते हुए दैट्स इट, लैच रिले आ गई हमारी, लैचिंग रिले, पॉइंट को नॉर्मल रिवर्स करना है और रिवर्स करके ये सप्लाई हमारी चलेगी। अभी आप देखेंगे कि ये कॉन्टेक्ट नंबर 2 पे जा रही है। सीमेंस सर्किट के अंदर हमें मालूम था कि हमारे पास 4 होते थे, W1, W2, W3, W4। W1, W2, W3, W4। इसके अंदर W3 चले जाते हैं। जहाँ पे भी EI सर्किट होता है या प्रिंटेड सर्किट होता है वहाँ पर W3 नाम की कोई इंडिकेशन के लिए हम डायरेक्टली साइड से प्रूव करके लेके आते हैं। तो W2 इस फॉर रिवर्स करने के लिए होता है पॉइंट को, तो ये देखिए पॉइंट को रिवर्स करने के लिए जो सप्लाई जा रही है वो 2 नंबर टर्मिनल पे जा रही है, तभी आपका W2 ही है रेटेड एट W2। और नॉर्मल करने के लिए आप पॉइंट की सप्लाई देखेंगे NWCR, नॉर्मल करा, नॉर्मल की लैच रिले पिकअप हो और पिकअप होके W1 पे फर्स्ट नंबर टर्मिनल विच इज योर W1। तो ये W1 हो गया, W2 हो गया, W3 होता नहीं है, नेगेटिव आपका हम W4 से जाता है। W4 के अंदर ये देखिए नेगेटिव चला, नेगेटिव या तो पॉइंट नॉर्मल करना होगा या रिवर्स करना होगा, दोनों कॉन्टेक्ट के अंदर पैरेलल प्रूव करते हुए इधर पॉइंट नॉर्मल की लैच रिले पिकअप होगी या रिवर्स की लैच रिले पिकअप होगी, ये कॉमन पाथ ले लिया दोनों में पैरेलल करते हुए और ये W4 में चला गया। तो ये अब हमारे रिले रूम के अंदर का उसका W1, W2 एंड W4। W4 हम लोग अब यहाँ पे W1, W2, W4 नहीं बोलते, लेकिन हमारी प्रैक्टिस हमारे दिमाग पे पहले से बैठा ही हुई है, तो हम इसे अगर उससे याद करेंगे कंपेयर करेंगे तो इजी रहेगा। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं NW, RW, CW। NW फॉर नॉर्मल पॉइंट ऑपरेशन, RW फॉर रिवर्स पॉइंट ऑपरेशन, CW फॉर कॉमन पॉइंट ऑपरेशन। तो CW पे नेगेटिव मिलेगी, NW पे फॉर नॉर्मली मिलेगी एंड इसमें रिवर्स मिलेगी। अब इसके बाद ये सीधे साइड पे चले आएगी, तो जंक्शन टू जंक्शन हमारी वायरिंग होगी, वो सब जगह की अपने हिसाब से थोड़ी बहुत अलग अलग करी हुई है, कुछ स्टैंडर्ड ड्राइंग है कहीं। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं छायापुरी की बात करूँ तो छायापुरी में मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड ड्राइंग के अंदर हम लोगों ने कर दिया है कि जो भी हमारी पहली मशीन है, पहली पॉइंट मशीन जो हम होगी वही पहले चलेगी, चाहे नॉर्मल टू रिवर्स हो चाहे रिवर्स टू नॉर्मल। तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, कई बार हमारे हेल्पर्स को कंफ्यूजन ये होता है कि अगर वो साइड पे जा रहे हैं कि वो पहले मशीन पे खड़े हो जाएंगे और सेकंड मशीन पहले चल रही, सर चल ही नहीं रही, चल ही नहीं रही वहाँ जाके। इधर कंफ्यूजन दूर करने के लिए इससे RH हो, LH हो, दोनों के अंदर रिवर्स टू नॉर्मल हो, नॉर्मल टू रिवर्स हो, फर्स्ट मशीन मेरी पहले ऑपरेट होती है, सेकेंड मशीन बाद में ऑपरेट होती है, उसका डायग्राम मैं अभी आपको बता दूंगा बाद में, ये अभी सिर्फ इंटरफेस डायग्राम बता रहा हूँ पहले। तो इंटरफेसिंग डायग्राम ये पॉइंट के अंदर सप्लाई चली, नॉर्मल होना है या रिवर्स होना है, तो यहाँ से आप सप्लाई चेक कर सकते हैं 110 आप कहाँ कहाँ मिलेगी आपको। अगर नॉर्मल हो रहा है तो NW CW में, मतलब W1 W4 में, रिवर्स कर रहा है तो W2 एंड W4 अब इसी तरीके से ये तो हो गया ऑपरेशन। अब मुझे चाहिए क्या, डिटेक्शन कि भैया मेरी कंडीशन जो है सब बराबर है या नहीं, साइड पे मैंने पॉइंट तो चला दिया, पॉइंट सेट एंड लॉक होके इंडिकेशन उसने मेक करा या नहीं करा। इंडिकेशन मेक करने के लिए देखो मैंने 24 वोल्ट सप्लाई यहाँ से भेजी, वो सप्लाई मेरा यहाँ पे जाके प्रूव करा उसने 7 8 7 7 8 इज यूज्ड एज नॉर्मल डिटेक्शन ऑफ फर्स्ट मशीन,
सॉरी सेकंड मशीन, दिस वन इज फॉर फर्स्ट मशीन. तो ये सेकंड मशीन का प्रूफ करा, सेकंड मशीन से फर्स्ट मशीन का प्रूफ करके ये डायरेक्टली सप्लाई अंदर आई, और अंदर आके की पॉइंट को कि सप्लाई तो आई, ये लैच ले मेरी पिकअप है या नहीं ये जरूर चेक करेगा. और उस समय रिवर्स रिले जो आपकी है मतलब RWKR है वो ड्रॉप होनी चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पे भी हैं इंटरलॉकिंग की बात करते हैं, डबल सेफ्टी की बात करते हैं, कोई गलती से कोई केबल मिसमैचिंग के कारण से ऐसा ना हो कि दोनों रिले पिकअप हो जाए, तो इसलिए हमने डबल सेफ्टी यहाँ पे इंश्योर कर लिया. पॉइंट आपने ऑपरेट करा था, ठीक है करा था, NWR आपकी पिकअप है, पिकअप है, पॉइंट ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन लैच पड़ी हुई है. इसके अलावा रिवर्स इंडिकेशन अभी ड्रॉप पड़ा हुआ है, रिवर्स इंडिकेशन ड्रॉप पड़ा है तो जाके आपकी NWKR रिले पिकअप. अब यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉस प्रोटेक्शन यूज कराए फॉर द सेफ्टी पर्पस, कि अगर आप रिवर्स ऑपरेशन कर रहे हैं और रिवर्स ऑपरेशन करने के बाद आपने गलती से R1 R2 को सप्लाई दे दी, तो RWR पिकअप होगी उस समय. आपने जैसे ही इसको NWKR को नॉर्मल करवाना चाहेंगे तो ये नॉर्मल नहीं होके शॉर्ट हो जाएगा और आपका फ्यूज उड़ जाएगा. दैट्स योर क्रॉस प्रोटेक्शन इन दिस पार्ट. ये पॉजिटिव पार्ट था. अब R2 के अंदर भी आप वही देखिए सेम पार्ट है, वो RWKR डबल कटिंग, पूरा सर्किट को डबल कटिंग यूज कर लिया. इसी तरीके से रिवर्स के अंदर अगर जाना होता कि RWKR हमें चाहिए था पिकअप, तो RWKR के अंदर 880 कॉन्टेक्ट को लिया विच इज RD और सेकंड मशीन से प्रूफ होके वही सप्लाई एक्सटेंड होगी फर्स्ट मशीन में. फर्स्ट मशीन का प्रूफ करा 880, और 880 प्रूफ करने के बाद पॉइंट को रिवर्स ऑपरेट करा था, ये इसने प्रूफ करा कि हाँ पॉइंट रिवर्स में ऑपरेट हुआ था. प्रूफ करने के बाद अभी पॉइंट का नॉर्मल इंडिकेशन अवेलेबल नहीं है तो RWKR नहीं पिकअप. इसमें भी क्रॉस प्रोटेक्शन है नॉर्मल का, अगर आपने नॉर्मल करा हुआ है पॉइंट को ऑपरेट करने के लिए नॉर्मल इंडिकेशन दिया था और रिवर्स आपने पिकअप कराने की कोशिश करी RWKR को, तब भी आपको फ्यूज ब्लोन हो जाएगा. तो पॉइंट के अंदर किसी को डाउट है एक बार फिर से बताऊं इसको, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं. अब लैच रिले की जो मैं आपसे बात कर रहा था, वो लैच रिले कैसे पिकअप होती है, ये सिस्टम की सप्लाई यहाँ से चल रही है. सिस्टम की सप्लाई ये जाने के बाद NWR RWR ऑपरेशन हुआ था. ऑपरेशन परफॉर्म होने के साथ ही मेरा रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है तो RWR को सप्लाई चले जाएगी. ये डबल कॉइल रिले आपको दिख रही होगी, R1 R2 RWR में कभी. सब लोगों को सिस्टम दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है. सबसे टॉप पे जो लगी हुई है ये आपका ए रो है. ए रो के अंदर BCOR रिले वाइटल कट ऑफ है. तो ये वाइटल कट ऑफ में दो टाइप की बनी हुई है, दो देखिए, एक ये लगी है दो रिले लगी हुई. एक आपकी BCOR ए है और सिस्टम ए
यहाँ पे देखिए दो सिस्टम बने हैं, सेम इंडिकेशन दिख रहा होगा आपको, ये दो रिले रूम टाइप्स हैं आपके, सिस्टम ए का सिस्टम बी का। ये माइक्रोवेव 3 है, ये मेरा ओसी है। यहाँ प्रोसेसर जरूर लगा हुआ है बट प्रोसेसिंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ काय के लिए है, क्योंकि ये ओसी यहाँ से जो है डेटा, इलेक्ट्रिकल डेटा कलेक्ट करके ऑप्टिकल डेटा में कन्वर्ट करके हमें भेजेगा, तो ये उसके लिए बस बना हुआ। तो यहाँ पे वी स्क्वायर रिले सिस्टम ए की अलग है, सिस्टम बी की अलग है। ये सिस्टम ए है और नीचे वाला सिस्टम बी है, और यहाँ पे जो आपको आउटपुट के टर्मिनल यहाँ पे ये दिख रहे हैं, यहाँ पे आप ये देखिए, एक ये इधर भी एक वायर है और उसके पीछे भी एक वायर, ये डबल इनपुट ले रहा है और सिंगल आउटपुट दे रहा है, डबल इनपुट लेके सिंगल आउटपुट देगा। तो डबल इनपुट है ये और ये सिंगल आउटपुट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव की जो सप्लाई आ रही है वो बीसी और लेके फ्रंट कॉन्टेक्ट से प्रूफ करके आ रही है। तो यहाँ पे आपकी अगर बीसी और ड्रॉप हो जाएगी तो ये सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, ये नेगेटिव वाली। पॉजिटिव सप्लाई जो आती है वो कार्ड से आउटपुट डिलीवर होने के बाद आती है, नेगेटिव हमेशा अवेलेबल रहेगी जब तक बीसी और रिले पिकअप रहेगी। आप इसके बाद यहाँ पे ये कुछ कम्युनिकेशन के पोर्ट लगे हुए हैं, ये दिख रहे होंगे कम्युनिकेशन पोर्ट, बॉक्सा इनको बोलते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में अपन देखेंगे, अभी आज की क्लास में नहीं देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये मॉक्सा है, मॉक्सा इस पर नेटवर्क स्विच होते हैं, जैसे हमारी रिले के टाइप का होता है इस तरीके से नेटवर्किंग स्विचेस होते हैं, तो ये स्विच का ही काम करता है। नीचे पूरा सेटअप लगा हुआ है सबका फ्यूजेस का, और आपको बैक साइड से इसका पावर सप्लाई अरेंजमेंट दिखा देता हूं। देखिए जो मैंने आपको उसका एड्रेसिंग मोड का जो बता रहा था, तो यहाँ पे ये एड्रेस है, फर्स्ट बिट हाई लास्ट बिट जीरो, और ये फर्स्ट नंबर कार्ड है तो 0000, सेकंड कार्ड 0001, इस टाइप से कार्ड की ये नंबरिंग होती है। और यहाँ पे ये सेटअप लगा हुआ है इसका, नीचे ये देखिए ये डीसी डीसी कन्वर्टर है, जैसे आईपीएस के अंदर हमारे रहते हैं।